बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूएई विजिट वीजा वाले अपने साथ ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएं ताकि उन्हें बोर्डिंग में मसला ना हो और उन्हें एयरपोर्ट से वापस ना भेजा जाए, वहां पे रगड़ा ना लगे। ऐसे बहुत से केसेस पिछले दिनों के अंदर हुए हैं, तो इस वीडियो में सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट वीडियो में आपके साथ यूएई विजिट वीजा के हवाले से अपडेट शेयर की थी, साथ मैंने मेंशन किया था कि डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी शेयर करूंगा, तो इस वीडियो में इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू हो तो ऐसी ही वीजा के हवाले से अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात करते हैं कि अगर आप विजिट वीजा पर जाते हैं तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक बात यहां पर क्लियर करता चलूं कि कुछ लोग कमेंट्स में आपको कहेंगे या जो विजिट वीजा पर यूएई पहुंच चुके होंगे वो आपको कहेंगे कि जब हम विजिट वीजा पर आए थे या 2 माह 3 माह पहले या 1 माह पहले उन्होंने सफर किया था तो उन्हें कुछ मसाइल पेश नहीं आई, डॉक्यूमेंट उनसे चेक नहीं हुए। लेकिन मैं आपको यह भी बताता चलूं कि अगर एक दिन में 3 से 4 एयरलाइन जिनने पाकिस्तान के एक ही एयरपोर्ट से यूएई का सफर किया है तो वहां पर हो सकता है 1-2 से ना चेक किया जाए, बाकी 2 से चेक किया जाए। तो ऐसे केसेस हुए हैं और कुछ लोगों को वापस पाकिस्तान में भेजा गया है। उनके पास जब वो चीजें क्लियर नहीं थी तो कौन सी चीजें लाजमी हैं जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है तो वो आप लाजमी पूरी करके दें। सबसे पहले आपके पास विजिट वीजा होना चाहिए, विजिट वीजा के साथ आपके पास जो दूसरी चीज है वो कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए विद सेम PNR, उसी एयरलाइन का आपका रिटर्न टिकट, वापसी का टिकट भी होना चाहिए, किसी दूसरी एयरलाइन का रिटर्न टिकट ना हो, उसी एयरलाइन का हो तो सेम PNR का। अब तीसरी चीज क्या है कि आपके पास शो मनी ये लाजमी है और ये आपके पास दिरहम में होने चाहिए। और कितने दिरहम होने चाहिए, अगर आप 1 मंथ के विजिट वीजे पे जा रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 3,000 UAE दिरहम होने चाहिए और अगर आपके पास 2 मंथ का विजिट वीजा है तो 5,000 AED 5,000 दिरहम होने चाहिए। और चौथी चीज आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर आप होटल बुकिंग नहीं करवाते तो आपके पास किसी रिश्तेदार का एड्रेस हो जो यूएई में मौजूद है, जिससे इंसेंटिव एड्रेस कहते हैं, उसका एड्रेस मौजूद हो और साथ ही उसकी जो एमरस आईडी की कॉपी है वो आपके फोन में मौजूद हो या प्रिंट करवाया हो तो ज्यादा बेटर है। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो आपको फिर यूएई एयरपोर्ट में या पाकिस्तानी एयरपोर्ट में कोई नहीं रोकेगा, बोर्डिंग आपके लिए आसान होगी। वरना ये इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से बेशुमार लोगों को वापस भेजा गया कि आप पाकिस्तान में ही रहें, आप यूएई नहीं जा सकते। ऐसी अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।